आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज 2020 का एक लास्ट डे है और आज है 31 दिसंबर और ये अल्लाह का शुक्र है जिस 2020 हमारी ज़िंदगी से जा रहा है हमेशा के लिए और 2021 आ रहा है, तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि यार हम सब की बेस्ट विशेस हों और हम सब जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करें। तो मेन टॉपिक पे आते हैं भाई, बात करते हैं मनमौजी की। मनमौजी जो प्लेटफॉर्म है, जो चैनल है, बेसिकली वो रिलेट करता है बहुत सारी वीडियोस से, बहुत सारी चीज़ों से। ये सम ऑफ मिक्सचर है, इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं इन फ्यूचर इंशाल्लाह, और 2021 में इसको हम प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे, जिसके अंदर मैं आपको शेयर करूँगा बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने प्रोफेशन से लेके अपने पैशन तक, और जो ऑफकोर्स मेरी ट्रेवलिंग रहती है अपने काम से भी लेकर, और वैसे भी आपका भाई जाता रहता है नॉर्दर्न एरियाज और डिफरेंट बलूचिस्तान की तरफ भी, और आगे पीछे जहाँ भी मुझे मौका मिलता है और जहाँ कि मुझे अच्छे रिव्यूज़ आते हैं मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ। बहुत सारी जगहें तो एक्सप्लोर हो चुकी हैं और बहुत सारी भी बाकी हैं, तो लोग कर रहे हैं इस पर, ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, और बहुत सारे फूड रिव्यूज़ बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत जगहों पर जाके लोग खाते पीते हैं और उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मैं जो बेसिकली अपना जो मेरा एक्सपीरियंस होगा ट्रैवलिंग से रिलेटेड और फूड से रिलेटेड, पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म की जो वैराइटीज़ हैं फूड में और कल्चर में, वो इंशाल्लाह मैं आपसे आप लोगों से डिस्कस करूँगा और उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, उसकी वीडियोज़ बनेंगे इंशाल्लाह। अब तक जो मैं जाता रहा हूँ उस पर मैंने प्रॉपर एक स्टोरी टाइप की कोई वीडियोस नहीं बनाई, हमेशा रैंडमली बनाता रहा हूँ और जस्ट लाइक स्टेटस वगैरह। लेकिन अब जब मनमौजी जब से ये एक आया है चैनल मेरी ज़िंदगी में, तो अब उसके बाद मैंने जो सोचा है कि मैं अपनी जितनी भी ट्रैवलिंग है और पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। फिलहाल मैं भी कराची पे वर्किंग कर रहा हूँ, कराची में बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस हैं और फूड से रिलेटेड और जगहों से रिलेटेड जिस पे वीडियोस बनानी चाहिए, बननी चाहिए, और मैं अपना एक्सपीरियंस पे शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारी सीरीज़ आने वाली हैं फूड से रिलेटेड, जगहों से रिलेटेड, फूड स्ट्रीट्स हैं हमारी बहुत अच्छी अच्छी, और जो वही पाकिस्तान से कराची आता है ऑफकोर्स उसको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जाके क्या चीज़ खाऊँ और किसकी चीज़ बेस्ट है, तो उस पर मैं अपने रिव्यूज़ ज़रूर दूंगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ऑफकोर्स ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ ऑफकोर्स उसका एक्सपेंस कि मैं किस तरह जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, मैं किस तरह जा रहा हूँ और वहाँ पर मेरा कितना एक्सपेंस होने वाला है और किस में कितना खर्चा आना है, कहाँ जाने तक कितना फ्यूल चाहिए, कितना फ्यूल होना चाहिए, और वहाँ पर जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा फ्यूल भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फर्दर जो भी चीज़ें होंगी, और खाने में आपको कहाँ क्या ले जाना चाहिए और वहाँ क्या खाने को अच्छा मिलता है, आपको क्या नहीं पसंद और क्या पसंद। ऑफकोर्स जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है, वो जब देखेंगे कि यार ये चीज़ यहाँ पर इस तरह अवेलेबल है। और बहुत से लोग अक्सर कहीं जा रहे होते हैं बाहर रोड, तो वो कुछ चीज़ें स्किप कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं पीछे, अपने उनको नहीं पता होता कि यहाँ पर ये चीज़ मिलती है, ये चीज़ मिलती है, तो वो उस तरह की चीज़ें भी इंशाल्लाह शेयर होंगी ताकि आप लोग शहर से बाहर जाएं तो ऑफकोर्स आपको पता हो कि यार यहाँ पर ये चीज़ मिलती है, वहाँ पर ये चीज़ मिलती है और हमें यहाँ जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, खाना चाहिए, तो ये उससे रिलेटेड बहुत है। तो जो भी मेरे उस पर जो ट्रैफिक आएगा मेरे चैनल पे, ऑफ कोर्स वो खाने पीने का शौकीन तो ऑफ कोर्स होएगा, और उसको साथ साथ ट्रैवलिंग का भी पता होना चाहिए कि वो ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसको किस तरह से कहाँ किस तरह, तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि आपका एक्सपेंस, आपका बजट, हर बंदा अपने बजट के हिसाब से निकलता है, अपने बजट के हिसाब से सोचता है, तो हम कोशिश करेंगे लोगों के बजट में आके चीज़ें करें ताकि लोगों को पता चले कि यार इतना एक्सपेंस तो होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कराची से बाहर जाते हैं, ऑफकोर्स अब तो ट्रैवलिंग बाय रोड इतनी आसान हो गई है कि सक्कर से तो ऑनवर्ड्स पूरे मुल्क में अलहमदिल्ला मोटरवे बन गई है, तो बहुत ज़्यादा सफ़र आसान हो गया है। उसके अलावा नेशनल हाईवे भी काफ़ी अच्छी सहूलियात हैं, बहुत अच्छे खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं, और जगह जगह पर अगर आप बाय रोड जाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट रस्ते मिलते हैं जहाँ आप बैठ के खाना खा सकते हैं, बहुत अच्छा वहाँ का फूड होता है और प्राइस भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हम प्राइसिंग पे बहुत ज़रूरी बातें करेंगे अपने कि प्राइसिंग क्या होती है, कहाँ की कितनी प्राइस है, क्या चीज़ कितनी की अवेलेबल है। अब कराची से अगर हम बात करें, कराची में एक बिरयानी आपको 250 रुपये की प्लेट मिलती है स्टूडेंट बिरयानी की, वही अगर आप कहीं नॉर्मल कहीं जाके खाते हैं तो वो आपको 60 रुपये की प्लेट मिलती है। तो ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे हम इस चैनल पर कि यार खाने
भी अच्छा है और है कितने का, इकोनॉमिकल भी है कि नहीं थोड़ा सा महंगा है। तो हर कैटेगरी के लोग ऑफ कोर्स मेरे चैनल पे आएंगे, जिसमें हमारे पास लो कैटेगरी भी आएगी और मिडिल क्लास भी आएगी और अपर क्लास भी आएगी। तो हर तरह के लोगों के लिए हर तरह के लेवल की चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ताला, जो जहाँ पर जिस तरह से जाके जिस तरह से एक्सप्लोर करना चाहता है वो उस तरह से करे। हर किसी के बजट में आने वाली चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, मेरा चैनल मनमोजी, मेरा नाम अहमद सिद्दीकी है और मैं बेसिकली, वैसे तो मेरा प्रोफेशन फोटोग्राफी है लेकिन अब मैं बेसिकली आपका भाई व्लॉगर भी बन गया है, आपका भाई ट्रैवलर तो है ही अल्लाह का शुक्र है, और फूड लवर तो मैं बचपन से ही हूँ। क्योंकि एक बात बहुत अच्छी किसी ने कही है कि दो तरह के लोग होते हैं ज़िंदगी में, जो कि एक जो होते हैं वो खाने के लिए जीते हैं और एक जो होते हैं वो जीने के लिए खाते हैं। तो आपका भाई पहली वाली कैटेगरी में आता है, वो खाने की जो जो लोग होते हैं खाने के लिए जीते हैं वो उस कैटेगरी में आता है। और बहुत से लोग होते हैं कि जो कहते हैं यार बस खा लें यार, बस खाना ही तो है ना, पेट ही भरना है। तो वो उस तरह के लोगों में आपका भाई नहीं है, आपका भाई इस तरह के लोगों में जो कहता है यार खाना अगर मुझे अच्छा कहीं मिल रहा हो तो मैं उसके लिए पिशावर भी चला जाता हूँ, उसके लिए मैं KPK भी कहीं ना कहीं चला जाता हूँ, बलूचिस्तान भी चला जाता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। और आप सब लोग भी ज़्यादातर मुझे जो मेरी लिस्ट में है वो माशाल्लाह खाने पीने के बहुत शौकीन है, जो मेरी प्रोफाइल में, तो भाई और आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहा है आपका भाई, तो इंशाल्लाह ताला शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। हेलो, मेकअप दिखाओ। वाह, इतना पाला मेकअप किया, हाथ में भी देखें बाबा हाथ। ये क्या लिपस्टिक लगाई है आपने? चिपस्टिक लगाई है? चिपस्टिक लगा दी, हाथ में भी दिखाई है। दो दांत का खरगोश बाबा, हाथ में भी दिखाई है, दो दांत का खरगोश।